हेलो फ्रेंड्स, 34 सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल में सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश क्लास में रूट वर्ड वोकैबलरी पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो मैंने रूट वर्ड लिया है वो फोबिया होगा। हम लोग सभी तरह के फोबियाज के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी तरह के इंपॉर्टेंट हैं SSC एग्जाम्स के लिहाज से। सो फ्रेंड्स, हम उन सभी को डिस्कस करेंगे और ये समझेंगे कि वो वर्ड कैसे बने और उनमें अलग अलग रूट वर्ड का यूज़ करके कैसे अलग अलग फोबियाज को रिप्रेजेंट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, बिना देर किए सबसे पहले बात कर लेते हैं फोबिया की। फोबिया बेसिकली फ्रेंड्स एक ग्रीक वर्ड है जो कि फोबोस से डिराइव हुआ है, फोबोस, जिसका फ्रेंड्स मतलब होता है एक्सेसिव फियर, यानी कि बहुत अत्याधिक डर किसी चीज़ के प्रति या फिर किसी व्यक्ति के प्रति। सो फ्रेंड्स, अब बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो आज का फ्रेंड्स हमारा जो पहला वर्ड होगा वो है एरोफोबिया। एरोफोबिया को फ्रेंड्स कहते हैं फियर ऑफ एयर या फिर फियर ऑफ फ्लाइंग। जिस व्यक्ति को फ्रेंड्स हवा से डर लगता है या फिर बेसिकली हवाई यात्रा करने से डर लगता है, उसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे एरोफोबिया। एरोफोबिया फ्रेंड्स ग्रीक के रूट वर्ड एरोस से आया है, जिसका फ्रेंड्स मतलब होता है एयर। जिसके जिसके ज़रूरी है मैं फ्रेंड्स उसके रूट वर्ड भी बताता हुआ आपको चलूंगा, आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फियर ऑफ फ्लाइंग और फियर ऑफ ट्रैवलिंग ऑन एयर इज कॉल्ड एरोफोबिया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा वर्ड है फिलोफोबिया। फिलोस वर्ड से फ्रेंड्स आया है लविंग, ग्रीक रूट वर्ड है ये भी। और फ्रेंड्स इसका मतलब होता है कि जब किसी व्यक्ति को ये डर बना होता है खुद के अंदर कि वो किसी अन्य व्यक्ति से प्रेम ना कर बैठे या फिर वो किसी से प्रेम में ना पड़ जाए, उसके लिए हम लोग वर्ड लेंगे फ्रेंड्स फिलोफोबिया। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा वर्ड एल्यूरोफोबिया। एल्यूरोफोबिया फ्रेंड्स आया है एलरस वर्ड से। एलरस भी फ्रेंड्स एक ग्रीक रूट है, जिसका फ्रेंड्स मतलब होता है कैट। सो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ बहुत आसानी से बता सकते हैं फ्रेंड्स एलरस का मतलब कैट हो गया, तो फ्रेंड्स कैट हो जाएगा यहाँ। और फोबोस का फ्रेंड्स मैंने पहले ही बता दिया था एक्सेसिव फियर, जिसको फ्रेंड्स बिल्लियों से डर लगता हो, वो बिल्लियों से बहुत घबरा जाता हो उनको देखने पर, उसके लिए फ्रेंड्स वर्ड लेंगे एलोरोफोबिया। नियोफोबिया में फ्रेंड्स नियो रूट लगा हुआ है, जो कि फ्रेंड्स एक ग्रीक रूट है और इसका मीनिंग मैंने यहाँ लिख रखा है। इसका मीनिंग होगा फ्रेंड्स न्यू, रिसेंट या फिर रिवाइव्ड। जिस किसी व्यक्ति को किसी नई चीज़ से डर लगता हो या फिर किसी बदलाव से डर लगता हो, उसे फ्रेंड्स कहेंगे नियोफोबिया। नियोफोबिया का फ्रेंड्स मतलब होता है फियर ऑफ चेंज, फियर ऑफ चेंज। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा क्रोमोफोबिया। फ्रेंड्स क्रोमो भी रूट वर्ड ऐसे कलर से आया है। जिस व्यक्ति को फ्रेंड्स कलर से डर लगता हो, फियर ऑफ कलर, उसके लिए फ्रेंड्स वर्ड लेंगे क्रोमोफोबिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा पीडोफोबिया। पीडो वर्ड फ्रेंड्स सभी को पता है, पीडो से हम लोग बहुत सारे वोकैबलरी वर्ड आगे सीखने वाले हैं। अभी के लिए समझिए पीडो का मतलब होता है फ्रेंड्स रिलेटिंग टू चिल्ड्रेन। पीडो भी फ्रेंड्स हमारा ग्रीक रूट है। सो फ्रेंड्स, पीडो का मतलब चिल्ड्रन हो गया और फोबिया फोबोस वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है एक्सेसिव फियर। जिस व्यक्ति को फ्रेंड्स बच्चों से डर लगता हो, द फियर ऑफ चिल्ड्रन इज कॉल्ड पीडोफोबिया। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा वर्ड है जूफोबिया। जूफोबिया फ्रेंड्स जून ग्रीक रूट से आया है। जून का फ्रेंड्स मीनिंग होता है एनिमल। सो फ्रेंड्स, जिस व्यक्ति को जानवरों से डर लगता होगा, उसके लिए हम लोग वर्ड लेके जूफोबिया। अ पर्सन हु हैज एन एक्सेसिव फियर ऑफ एनिमल्स इज नोन एज जूफोबिया। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अब है हमारा फ्रेंड्स साइनोफोबिया। फ्रेंड्स सबसे पहले इसके ग्रीक रूट वर्ड की बात कर लेते हैं। ये भी फ्रेंड्स ग्रीक रूट से आया है, जिसका फ्रेंड्स होता है कुओन। तो फ्रेंड्स कुओन का ग्रीक में मतलब होता है डॉग और फोबिया आगे लगा हुआ है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब हो जाएगा अ पर्सन हु हैज एन एक्सेसिव फियर ऑफ डॉग्स इज नोन एज साइनोफोबिया। तो फ्रेंड्स साइनोफोबिया का ये मतलब हुआ कि जिस व्यक्ति को फ्रेंड्स कुत्तों से डर लगता होगा बहुत अधिक, उसके लिए हम लोग वर्ड लेंगे साइनोफोबिया और ऐसी कंडीशन को कहेंगे साइनोफोबिया। जिस व्यक्ति को फ्रेंड्स क्राउड से डर लगता होगा, भीड़ से डर जाता होगा वह व्यक्ति, उसके लिए फ्रेंड्स हम लोग वर्ड लेंगे ऑक्लोफोबिया। ऑक्लोफोबिया भी फ्रेंड्स ग्रीक रूट से आया है। ऑक्लो या फिर ऑकल, उसका फ्रेंड्स मतलब होता है मॉब या फिर क्राउड। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट लेते हैं थैनोटोफोबिया। फ्रेंड्स थैनोटोफोबिया ग्रीक रूट थैनेटिक या फिर थैना से आया है। इन सभी का एक ही मतलब होता है फ्रेंड्स डेथ, मृत्यु के लिए ग्रीक रूट होता है थैना। तो फ्रेंड्स थैना से बना है थैनोटोफोबिया, जिसका फ्रेंड्स मतलब होता है एक्सेसिव फियर ऑफ डाइंग। जिस व्यक्ति को फ्रेंड्स मरने से बहुत ज्यादा डर लगता होगा, उसके लिए यूज करेंगे थैनोटोफोबिया।
आइथमोफोबिया का फ्रेंड्स मतलब होता है फियर ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट्स। जिस व्यक्ति को फ्रेंड्स नुकीले वस्तुओं से डर लगता हो, वो चाकू भी हो सकती है, वो कील भी हो सकती है, वो एक ब्लेड भी हो सकती है इंजेक्शन से। जिस व्यक्ति को फ्रेंड्स नुकीली या फिर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से डर लगेगा, उसके लिए हम लोग वर्ड लेते हैं आइथमोफोबिया। आइथमोफोबिया को फ्रेंड्स फियर ऑफ शार्प ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं, या फिर कहीं कहीं पर फियर ऑफ नाइफ्स करके के भी दिया रहता है। तो फ्रेंड्स आप लोग दोनों कंडीशंस ध्यान रखिएगा। साइबोफोबिया फ्रेंड्स ग्रीक रूट साइबोस से लिया गया है, जिसका फ्रेंड्स मतलब होता है फूड या फिर भोजन। तो फ्रेंड्स जिस व्यक्ति को भोजन से डर लगता है, उसके लिए हम लोग वर्ड लेते हैं साइबोफोबिया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा स्पेक्ट्रोफोबिया या फिर कैटेप्ट्रोफोबिया। तो फ्रेंड्स दोनों का एक ही मतलब होता है फियर ऑफ मिरर। जिस व्यक्ति को फ्रेंड्स आईनों से डर लगता हो या फिर आईना देखने से डर जाता हो वह व्यक्ति, उसके लिए हम लोग फ्रेंड्स दो वर्ड लेते हैं, या तो स्पेक्ट्रोफोबिया या फिर कैटेप्ट्रोफोबिया। स्पेक्ट्रोफोबिया फ्रेंड्स लैटिन रूट वर्ड से आया है, जिसका मतलब स्पेसियो होता है। स्पेसियो का फ्रेंड्स मतलब होता है इमेज। वहीं पर फ्रेंड्स कैटेप्ट्रो हमारा ग्रीक रूट है, जिसका फ्रेंड्स मतलब होता है इमेज या फिर अपारिशन। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग दो वर्ड ध्यान रखेंगे फियर ऑफ मिरर्स के लिए, स्पेक्ट्रोफोबिया और कैटेप्ट्रोफोबिया, दोनों ही आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा आइट्रोफोबिया। आइट्रोफोबिया फ्रेंड्स ग्रीक रूट आइट्रोस से आया है, जिसका फ्रेंड्स मतलब होता है हीलर या फिर डॉक्टर। जो फ्रेंड्स हील करेगा या फिर जो दर्द को कम करेगा, उसके लिए हम लोग डॉक्टर वर्ड ही तो लेंगे, डॉक्टर। तो फ्रेंड्स आइट्रोफोबिया को कहेंगे फियर ऑफ डॉक्टर। जिस व्यक्ति को फ्रेंड्स डॉक्टर से डर लगता हो, बेसिकली इलाज से डर लगता हो, उसे कहेंगे आइट्रोफोबिया। कहीं कहीं पर फ्रेंड्स आइट्रोफोबिया को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है फियर फ्रॉम हीलर्स, फियर ऑफ हीलर्स। तो फ्रेंड्स उसके लिए भी हम लोग यही वर्ड लेंगे आइट्रोफोबिया। जिस किसी पर्सन को फ्रेंड्स बालों से डर लगता हो, या फिर अधिक स्पष्ट करें बालों से होने वाली बीमारियों से उसे डर लगता हो, उसके लिए हम लोग वर्ड लेंगे ट्राइकोफोबियक, और ऐसी कंडीशन को बोलेंगे ट्राइकोफोबिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा ग्रीक रूट है वो थ्रिक्स है या फिर थ्रिको है, जिसका मतलब होता है हेयर। तो हेयर से आया फ्रेंड्स ट्राइकोफोबिया। जिस व्यक्ति को फ्रेंड्स बालों से होने वाली बीमारियों से डर लगता है, उसके लिए वर्ड लेते हैं ट्राइकोफोबिया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा होडोफोबिया। होडोफोबिया इतनी सिंपल सी बात है, आप लोग ध्यान रखिए, जिस किसी व्यक्ति को यात्रा करने से डर लगता हो, ट्रैवल करने से डर लगता हो, उसके लिए हम लोग वर्ड लेते हैं होडोफोबिया। सो फ्रेंड्स होडोफोबिया इज बेसिकली द फियर ऑफ ट्रैवल। जिस किसी पर्सन को फ्रेंड्स लाइट से डर लगता हो, प्रकाश से डर लगता हो, उसके लिए फ्रेंड्स हम लोग वर्ड लेते हैं फोटोफोबिया। बट फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम लोग सनलाइट की बात नहीं करेंगे। जब सनलाइट से फोबिया के बारे में बात की जाएगी, तो फ्रेंड्स हम लोग वर्ड लेते हैं हेलियोफोबिया, हेलियोफोबिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिए, जब भी फियर ऑफ लाइट की बात की जाएगी तो वर्ड लेंगे फोटोफोबिया, और जब फियर ऑफ सनलाइट की बात की जाएगी तो फ्रेंड्स वर्ड लेंगे हेलियोफोबिया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा पाइरोफोबिया। सो फ्रेंड्स जिस किसी व्यक्ति को फायर से डर लगता हो, फायर से तो बेसिकली डरना चाहिए सभी को, बट फ्रेंड्स जिसको एक्सट्रीम फियर हो फायर से यानी कि आग से, उसके लिए फ्रेंड्स हम लोग वर्ड लेते हैं पायरोफोबिया, पायरोफोबिया। जिस पर्सन को फ्रेंड्स बारिश से डर लगता हो या फिर रेन से डर लगता हो, उसके लिए फ्रेंड्स हम लोग वर्ड लेते हैं ओम्ब्रोफोबिया। द फियर ऑफ रेन इज कॉल्ड ऑम्ब्रोफोबिया। लोगोफोबिया फ्रेंड्स ग्रीक रूट लोगो से आया है, लोगोस, जिसका फ्रेंड्स मतलब होता है वर्ड या फिर स्टडी। सो फ्रेंड्स इसी तरह हम लोग इसको ट्रीट करेंगे, जब कभी भी फियर ऑफ वर्ड्स की बात की जाएगी या फिर फियर ऑफ स्टडी की बात की जाएगी, या फिर कभी कभी इसको ले लेते हैं फियर ऑफ स्पीच। सो फ्रेंड्स द फियर ऑफ स्टडी और द फियर ऑफ वर्ड्स और द फियर ऑफ स्पीच इज कलेक्टिवली नोन एज लोगोफोबिया। सो फ्रेंड्स लोगोफोबिया उस व्यक्ति को होता है जिसको पढ़ाई से डर लगता है, या फिर शब्दों से डर लगता है, लिखे हुए वर्ड से डर लगता है, या फिर स्पीच से डर लगता है। तीनों के लिए फ्रेंड्स हम लोग एक ही वर्ड यूज करेंगे, वो है लोगोफोबिया।
जब भी फ्रेंड्स फियर ऑफ घोस्ट्स के बारे में बात की जाएगी, भूतों से डर के बारे में बात की जाएगी, तो हम लोग वर्ड लेते हैं फाज्मोफोबिया। सो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा रूट वर्ड है वो है फाज्मोस, जिसका फ्रेंड्स मतलब होता है सुपर नेचुरल बींग्स। इसको ग्रीक में कहते हैं फ्रेंड्स सुपर नेचुरल बींग्स। सो फ्रेंड्स द फियर ऑफ घोस्ट्स इज कॉल्ड फाज्मोफोबिया, और जो जिस व्यक्ति को ये बीमारी होती है उसको कहते हैं फाज्मोफोबियक। फियर ऑफ बियर्ड्स को फ्रेंड्स कहते हैं पॉग्नोफोबिया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जिस व्यक्ति को फ्रेंड्स दाढ़ी से डर लगता हो उसे फ्रेंड्स कहते हैं पॉग्नोफोबियक। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, बट फिर भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा क्रोनोफोबिया। सो फ्रेंड्स क्रोनो हमारा रूट वर्ड है, जिसका फ्रेंड्स मतलब होता है ग्रीक में टाइम या फिर टाइम से रिलेटेड। सो फ्रेंड्स क्रोनोफोबिया एक वो व्यक्ति होगा जिसको टाइम से डर लगेगा, स्पेसिफिकली बीतते हुए टाइम से उसे डर लगेगा कि आगे फ्यूचर में क्या होगा। सो फ्रेंड्स कभी कभी क्रोनोफोबिया को फियर ऑफ फ्यूचर भी रिप्रेजेंट किया जाता है किसी किसी बुक्स में। तो आप लोग दोनों ध्यान रखेंगे, जब भी फियर ऑफ टाइम के बारे में बात की जाए या फिर फियर ऑफ फ्यूचर के बारे में बात की जाए, एक ही वर्ड लेंगे, वो है फ्रेंड्स क्रोनोफोबिया। अकाउस्टिकोफोबिया का फ्रेंड्स मतलब होता है फियर ऑफ नॉइज। जिस व्यक्ति को फ्रेंड्स आवाजों से डर लगेगा या फिर नॉइज यानी कि शोर से डर लगेगा बेसिकली, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे अकाउस्टिकोफोबिया। जिस किसी को फ्रेंड्स अकाउस्टिक्स का मतलब मालूम है, अकाउस्टिक्स फ्रेंड्स आजकल बहुत बेसिक वर्ड है, लगभग सभी को पता होना चाहिए। इसका फ्रेंड्स मतलब होता है साउंड से रिलेटेड। जो कोई भी फ्रेंड्स ऑनलाइन शॉपिंग आज तक किसी ने की होगी या फिर अमेजोन की वेबसाइट पर भी गया ही होगा, तो उसने देखा होगा कि यहाँ पर एक अकाउस्टिक्स का सेक्शन होता है जिस पर फ्रेंड्स बात की जाती है साउंड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स की, जैसे स्पीकर्स, हेडफोन वगैरह। सो फ्रेंड्स जनरल अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है इंग्लिश के लिए, जिससे है कि हम नए नए वर्ड्स जल्दी जल्दी बिना एफर्ट के सीखते हुए चल सकें। स्टीजियोफोबिया फ्रेंड्स ग्रीक रूट स्टीजियोस से लिया गया है, जिसका फ्रेंड्स मतलब होता है हेल। सो फ्रेंड्स हेल और फोबोस, तो फ्रेंड्स हो जाएगा स्टिजियोफोबिया यानी कि फियर ऑफ हेल। काइरोफोबिया का फ्रेंड्स मतलब होता है फियर ऑफ हैंड्स। जिस किसी व्यक्ति को फ्रेंड्स हाथों से डर लगेगा उसके लिए हम लोग वर्ड लेते हैं काइरोफोबिया। सो फ्रेंड्स काइरोस भी हमारा ग्रीक रूट है जिसका मतलब होता है हैंड्स। ऑरोफोबिया का फ्रेंड्स मतलब होता है फियर ऑफ गोल्ड। ऑरम भी हमारा ग्रीक रूट है जिसका मतलब होता है गोल्ड। सो फ्रेंड्स ऐसा कोई व्यक्ति तो मैंने नहीं सुना जिसे गोल्ड से डर लगता हो। पॉलीफोबिया का फ्रेंड्स मतलब होता है फियर ऑफ मैनी थिंग्स। जिस किसी व्यक्ति को फ्रेंड्स एक साथ कई चीजों से डर लगता हो उसके लिए वर्ड लेते हैं पॉलीफोबिया। ग्राफोफोबिया का फ्रेंड्स मतलब होता है फियर ऑफ राइटिंग। जिस किसी व्यक्ति को फ्रेंड्स लिखने से डर लगता हो या फिर लिखी हुई चीजों से डर लगता हो उसके लिए वर्ड लेते हैं ग्राफोफोबिया, क्योंकि ग्राफो भी हमारा ग्रीक रूट है जिसका मतलब होता है टू राइट और ड्रॉ। हिमेटोफोबिया का फ्रेंड्स मतलब होता है फियर ऑफ ब्लड, और इरिथ्रोफोबिया का फ्रेंड्स मतलब होता है फियर ऑफ रेड। सो फ्रेंड्स इन दोनों में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी ब्लड की बात की जाएगी, खून से डर के बारे में बात की जाएगी, तो फ्रेंड्स हम लोग वर्ड लेंगे हिमेटोफोबिया, और जब लाल रंग से डर की बारे में बात की जाएगी तो फ्रेंड्स वर्ड लेंगे हम लोग इरिथ्रोफोबिया। हिप्पोफोबिया का फ्रेंड्स मतलब होता है फियर ऑफ हॉर्सेस। पोडोफोबिया का फ्रेंड्स मतलब होता है फियर ऑफ फीट। जैसे कि फ्रेंड्स काइरोफोबिया फियर ऑफ हैंड है, वैसे ही पोडोफोबिया फ्रेंड्स मतलब है फियर ऑफ फीट। इन दोनों का डिफरेंस हम लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। फास्मोफोबिया का फ्रेंड्स मैं बता चुका हूँ फियर ऑफ घोस्ट होता है। सो फ्रेंड्स आज का क्लास यहीं पर खत्म होती है। लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इस लाइन को ध्यान रखिए कि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन है। लाइक कीजिए इस वीडियो को अधिक से अधिक, ताकि ये और भी लोगों तक पहुंच सके। नेक्स्ट की क्लास हमारी फ्रेंड्स होगी एक्टिव और पैसिव वॉइस पार्ट 2 की। सॉरी फ्रेंड्स ये क्लास कुछ लेट हुई है, बीच में मुझे CDS पेपर की एनालिसिस देनी थी, इस वजह से क्लास आपको 2 दिन लेट मिल रही है। अगला वीडियो फ्रेंड्स हमारा होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट 2 का, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के कुछ बेसिक रूल्स एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के, और सॉल्व करेंगे कुछ ईजी लेवल के क्वेश्चंस, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस भी। सो फ्रेंड्स आई विल बी मीटिंग यू ऑल ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज। कीप लविंग, कीप सब्सक्राइबिंग, शेयर दिस वीडियो। बाय फ्रेंड्स।